दिल्ली में बीजेपी की छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अगस्त को बड़ी बैठक हुई। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों के साथ अहम बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल थे। इस बैठक में आने वाले महीने में बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर बड़े निर्णय लिए गए। दरअसल लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली में थे। इसी मौके पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इनमें बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं से रिपोर्ट ली। इस बैठक में सांसदों के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल थे। इसकी जानकारी रमन सिंह ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि आज यानी 9 अगस्त शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित प्रदेश के सांसदों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सम्मिलित रहूंगा। आपको बता दें 22 जून से अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ चुके हैं। अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में बुलाई गई बैठक में छत्तीसगढ़ के नेताओं की अब सीधे पीएम मोदी से बातचीत होने वाली है। इसके अलावा इसी महीने 15 अगस्त के बाद यानी 17 या 18 अगस्त को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। वो भी 1.5 महीने के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। इस बार रायगढ़ में पीएम मोदी की सभा होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर पीएम मोदी सीधे छत्तीसगढ़ के नेताओं से बैठक में रिपोर्ट ली है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर इधर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसदों को पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने का आग्रह किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को फिर से एक बार रद्द कर दिया गया है। सांसदों को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि क्यों छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को बार बार रद्द किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा कि छत्तीसगढ़ के हिस्से में 7 लाख से अधिक पीएम आवास योजना का मकान वेटिंग सूची में है, उसे जल्द क्लियर किया जाए। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा केंद्र में अटका है, उनकी वापसी के लिए बोलना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुल 55,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास है, उसे वापस करने की मांग बीजेपी सांसदों को करनी चाहिए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।